अरे देखो उड़ने लग गया मैं। तो यार मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की नई वीडियो के साथ में। और भाई लोग आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए टूल बॉक्स, जो कि वर्जन 1.2.1.30 जैसे कि आप यहाँ पर आप खोल के देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन के लिए टूल बॉक्स होने वाला है। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना भाई और दोस्तों के साथ में फैला देना ताकि उनको भी पता चल पाए कि हाँ भाई टूल बॉक्स आ चुका है। तो कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है आज की इस वीडियो के अंदर आपको भाई पूरा बताएगा। और भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख के जाना, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे तो एंड में क्या होगा भाई, अच्छे से चलेगा नहीं, फिर कमेंट करोगे भाई काम नहीं कर रहा है। तो सीधे से बोल रहा हूँ भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, एंड अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो अच्छे बच्चे की तरह सुनोगे और आपका काम करना शुरू कर देगा ये, ठीक है। तो चलिए सब बताते हैं कैसे आपको यहाँ पर भाई शैतानी करनी है माइनक्राफ्ट के अंदर, कैसे आपको टूल बॉक्स रन करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर साइड में विंडो आती हुई मोबाइल के अंदर आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। ये वाला जो एप्लीकेशन है लूनार, ये आपको डिवाइस में चाहिए होगा तभी आप यहाँ पर क्या कर पाओगे टूल बॉक्स को चला पाओगे। पहले हम इसकी भाई लैब प्रूफ की पहले बात कर लेते हैं, सर्वर्स में चलते हैं। मेरे पास में एक सर्वर है हाइप का, इसको ज्वाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड ये सर्वर में वर्किंग है या फिर नहीं वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं भाई सर्वर में जा रहा हूँ, सर्वर लोकेट कर रहा है हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बड़े अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं सर्वर के अंदर। तो देखो ज्वाइन तो एकदम मक्खनी तरीके से हो रहे हैं जैसे नॉर्मल सर्वर में हम होते हैं। होके हम आ गए भाई सर्वर के अंदर और अब आपको दिखाते हैं भाई हम कोई से भी जहाँ पर जाएंगे ना वहाँ पर ये वर्क है, मतलब वर्क करेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर भाई देख लेते हैं, यहाँ पर सर्वाइवल गेम्स है, ग्राउंड वॉर्स है। चलो सर्वाइवल गेम्स में चल के देखते हैं, सोलोस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ओके भाई मैं आ चुका हूँ सोलोस के अंदर, अभी यहाँ पर भाई कोई है नहीं 10 प्लेयर्स है। अब मैं आने के बाद में देखता हूँ भाई कोई और गेम हो यहाँ पर बढ़िया सा, तो उसको हम यहाँ पर भाई खेल लेते हैं। यहाँ पर बेड वॉर्स भी है, स्काई वॉर्स है और भाई क्या क्या है, बहुत सारे गेम्स हैं यार, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो भाई सब में आप जाके खेल सकते हो। ओके ओ भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त गेम्स हैं। तो चलो मैं भाई देख लेता हूँ कोई गेम में चलते हैं उस भाई, जल्दी से देखते हैं भाई काम करेगा या फिर नहीं। चलो भाई बैट बॉल चलिए, तो बैट बॉल में ही चलते हैं। ओके भाई मैं बैट बॉल के अंदर आ गया, पर यहाँ पर 5 प्लेयर चाहिए। अब ठीक है 4 प्लेयर रह गए, थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, ये गेम स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए 2 प्लेयर और रह गए, गेम स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो चलिए भाई फाइनली गेम स्टार्ट होने वाला है थोड़े सेकंड्स के अंदर। तब तक आप क्या कर रहे हो, ये तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ठीक है जल्दी करिए यार, गेम स्टार्ट होने वाला है हमारा। और भाई वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि भाई जो फाइल है उसके अंदर पासवर्ड मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है, पहले ही बोल रहा हूँ भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो। यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है फाइनली। अब हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन में, यहाँ पर मैं डॉट डालूंगा, डॉट हेल्प करके डालते हैं गाइस। डॉट हेल्प में जैसे ही डालूंगा भाई ये देखो हमारे में सोलरवन में टूल बॉक्स एकदम वर्किंग है। यहाँ पर आप रीच स्पीड है, फ्लाई है, फेस, जेट पैक, कैलोरा, टीपी और स्पैम, हिटबॉक्स, गेम मोड, फ्रेंड्स, देखिए भाई सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से मैं भाई डालता हूँ डॉट स्पीड, इस प्रकार से डाली स्पीड 2.0 कर लेते हैं एंड आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो मेरी स्पीड देखना यार, देख रहे हो क्या हुआ, पर भाई एरर हो गया, देख पा रहे हो। तो भाई देखो सर्वर में आपको मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर रिज्यूम गेम कर लेता हूँ एंड कुछ अभी एरर फेरर हो गया था आई गेस। तो यहाँ पर भाई हम आ चुके हैं, थोड़ा पीछे ही आ जाते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर टूल बॉक्स चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं डालूंगा भाई यहाँ पर डॉट फ्लाई, इस प्रकार से मैं डालूंगा फ्लाई, तो मेरा फ्लाई इनेबल हो चुका है। आप जैसे कि देख पा रहे हो भाई फ्लाई में उड़ पा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो भाई हम मस्त तरीके सर्वर में खेल पा रहे हैं, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम फ्लाई कर पा रहा हूँ यार, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको जो भी सारी सेटिंग्स है वो भी आप कर सकते हो, जैसे आपके यहाँ पर आता है भाई स्लैश टॉगल्स, तो आप टॉगल्स भी लगा सकते हो। ये रहा, आप यहाँ पर नाइट विजन, फास्ट हीट, सो कोऑर्डिनेट, नो ब्लाइंडनेस, नो नोजी और ऑटो स्प्रिंट, ये भी आप इनेबल कर सकते हो। बाकी देखो मैं फ्लाई भी कर पा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड आप भाई कुछ भी कर सकते हो सर्वर के अंदर, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सब कुछ आप सर्वर में कर सकते हो एंड उस साइड चलते हैं भाई जहाँ पर लोग हैं बहुत सारे एंड आप जैसे कि देख पा रहे हो भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जो कि भाई यहाँ पर गेम खेलने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप भाई जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, फ्लाई वगैरह जो मैं आपको करके दिखा पा रहा हूँ, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और भाई मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पर भाई कोई सा भी गेम देख पा रहे हो, टाइमर लगा सकते हो, न्यूक है, स्पैम है, एक्सरे भी देख सकते हो आप भाई, ओट्स को, बेसिस को, वाटर और सर्वर के अंदर आपको फिलहाल खेल के दिखाया है। अब भाई कनेक्शन कैसे आपको एस्टेब्लिशमेंट करना है माइनक्राफ्ट और सर्वर के बीच में, जैसे आप किस टूल बॉक्स को चला पाओ, टूल बॉक्स और माइनक्राफ्ट के बीच में कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आपको कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है इसके बारे में मैं जो बता रहा था, इसको आपको लेना भी बताऊंगा कैसे लेना है। इसको आपको ओपन कर लेना है पहले, यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करोगे ना यार, तो अभी हम भाई यहाँ पर आ जाते हैं, कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक कर लेते हैं, कोई ऐड आएगा ये करना है। अब कोई सा आपको सर्वर यहाँ पर कनेक्ट करना हो, जैसे मैं यहाँ पर भाई क्यूब क्राफ्ट को कनेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्यूब क्राफ्ट पर क्लिक कर लूँगा। पहले आपको मैनेज पर क्लिक करना है, अगर पहला सर्वर आपका जो है, पहले सर्वर को हटाना चाहते हो यहाँ पर कर दो स्टॉप, ये आएगा देखो स्टॉप है,
स्टॉप कर दो। यहाँ पर आप जैसे क्यू क्राफ्ट को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और अगर आप कोई एक्सटर्नल सर्वर भी यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, बस उसका आईपी और पोर्ट डाल देना। कहाँ डालना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले एक ऐड आएगा, क्योंकि कनेक्शन आप जिस भी सर्वर से आप पहले करने जाओगे हटाने के बाद में तो एक ऐड आता है 30 सेकंड्स का, वो आपको देखना ही पड़ेगा, वो नेसेसरी है। इसके बाद में आपका जो सर्वर से वो कनेक्ट कर देता है। तो हमारा जो ऐड है वो भाई यहाँ पर आ रहा है, हम थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं। ओके भाई, तो रिवॉर्ड हमको देखने को मिल रहा है थोड़ी सेकंड्स में, तो थोड़ी देर का वेट करते हैं। चलिए भाई, तो अभी हम थोड़ी देर का और वेट कर लेते हैं। फाइनली भाई ओके, हमें मिल गया रिवॉर्ड ग्रांटेड। इसको रन कर देंगे, दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया कंटिन्यू टू ऐप, तो देखो कनेक्टिंग होने का यहाँ पर मैसेज मेरे को शो कर रहा है, रिसोर्स पैक डाउनलोड भी हो रहे हैं एंड थोड़ी देर बाद में यहाँ पर कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो जाएगा मेरा। तो थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं यार। ओके भाई, तो यहाँ पर थोड़ी देर में कनेक्ट कर देगा, जब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दे भाई। चलिए भाई चैनल को, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो सर्वर डिटेल्स, अब ये जो सर्वर डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है ना, यहीं पर आपको जो ऊपर की तरफ है यहाँ पर आपको आईपी डालनी पड़ेगी। अगर आपको सर्वर कोई पता है वहाँ पर आईपी डालिए, और नीचे की तरफ में आपको पोर्ट डाल देना है। पोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर सेव कर देना, सेव करोगे तो 30 सेकंड्स का ऐड आ जाएगा, वो ऐड देखना। तो आपके साथ जो भी सर्वर आप यहाँ पर दोगे उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कस्टम सर्वर दिया था जिसमें मैंने खुद आईपी पोर्ट डाला था रेनर एमसी करके, वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया था। तो देखो यहाँ पर मेरा जो कनेक्ट है वो हो चुका है। अब भाई इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा एक आईपी नीचे आई होगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, अगर आपको यहाँ पर कोई अपना सर्वर यहाँ पर डालना हो तो आप यहाँ पर अपना सर्वर भी डाल सकते हो। बस यहाँ पर पहले आपको स्टॉप करना है, जैसे पहले मैं आपको दिखाया। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पर अपना डिफॉल्ट सर्वर डाल देना, उसकी पोर्ट डाल देना, देन कनेक्ट करवा लेना, सेव कर देना, आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में अब ये भाई सर्वर कनेक्ट नहीं करा है, सबसे पहले आपको प्ले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्वर्स वाले सेक्शन पर जाना है एंड देन आपको यहाँ पर मैनेज पर आएगा। मैनेज पर क्लिक करने के बाद ये जो आईपी है ना, सेम टू सेम ये वाली आईपी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डालनी पड़ेगी एड सर्वर करके। तो मैं पहले पेंसिल के आइकन पर क्लिक करूँगा, प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। देखो आईपी मैंने जैसी डाली है 192.168.29.84, पोर्ट है 19032। इस प्रकार से आप जैसे मैंने यहाँ पर क्यूब क्राफ्ट डाला तो मैं यहाँ पर सर्वर नेम क्यूब क्राफ्ट चेंज कर दूंगा। देखिए भाई इस प्रकार से मैं डालूंगा एंड मैं सेव कर दूंगा, तो मेरा क्यूब क्राफ्ट यहाँ पर सर्वर डल गया। अब मैं आपको सर्वर को ज्वाइन करके दिखाता हूँ। आपको लगे भाई फेक बना रहा है, ये तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर भाई डाउनलोड एवरीथिंग एंड ज्वाइन पर क्लिक कर लूँगा एंड मेरा जो रिसोर्स पैक है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और मैं सर्वर के अंदर जा रहा हूँ फाइनली। तो ये लो यार, हम क्यूब क्राफ्ट गेम्स के भी अंदर जा रहे हैं, कोई भी एरर के नहीं, फिर क्या बोल रहा हूँ, बिना एरर के। देखो मैं आ गया भाई यहाँ पर भी, हमारा जो सर्वर है एकदम मस्त तरीके से वर्किंग है। देखो हेल्प डालूंगा, ये लो सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। और भाई इन लोगों के सामने फ्लाई करेंगे, ये देखो फ्लाई हैज बीन इनेबल्ड। अरे देखो उड़ने लग गया मैं, समझ रहे हो यार। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो एकदम मस्त तरीके से मैं भाई यहाँ पर क्यूब क्राफ्ट में भी खेल पा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसे भाई आपको सेव एंड क्विट करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको सर्वर में जाके दिखा दिया, सर्वर कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो मैं जैसे ही आया इसको लूनर को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू ऐप, इस प्रकार से मैं कनेक्ट यहाँ पर हो चुका हूँ, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है डन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब अगर आपको यहाँ पर सर्वर से डिसकनेक्ट करना है तो यहाँ पर स्टॉप कर देना और फिर से जो आप सर्वर कनेक्ट करना चाहो, हाइप पर करना चाहो हाइप क्लिक कर देना, क्यू क्राफ्ट करना चाहो क्यू क्राफ्ट कर देना। इस प्रकार से आप यहाँ पर भाई सर्वर से कनेक्ट हो पाओगे। अगर फिर भी आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो @minorgvk, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। डिस्कॉर्ड में -0001 वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भाई सर्वर को कनेक्ट कर पाओगे, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सर्वर कनेक्ट करना बता दिया। अब देखो सर्वर में चल रहा है, अब वर्ल्ड्स में चलेगा क्या? देखो भाई वर्ल्ड्स के लिए, ओवर वर्ल्ड के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो, मल्टीप्लेयर ही काफ़ी अच्छा रहता है कोई सर्वर बनाना। सर्वर में आपको जा के मल्टीप्लेयर अपने दोस्त के साथ में खेलते ही हो तो दोस्त के ही साथ में खेलने में 2 लोग में मज़ा आता है। मल्टीप्लेयर वर्ल्ड यहाँ पर जो आता है फ्रेंड्स वाला सेक्शन, यहाँ पर आपका फ्रेंड में करके आ जाएगा, उस वर्ल्ड में आप खेलना मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में ऑनलाइन खेलना एंड आप मस्त तरीके से वहाँ पर खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस जो वर्ल्ड का आईपी पोर्ट है वो डाल देना, आप एकदम मस्त तरीके से वर्ल्ड में खेल पाओगे। तो इस प्रकार से आप वर्ल्ड में भी खेल पाओगे, सर्वर में भी खेल पाओगे। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि सर्वर से कनेक्शन कैसे बनाना है। अब भाई अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्वर से कनेक्ट करने से पहले माइनक्राफ्ट और इस लूनर क्लाइंट को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये जोड़ना है तो भाई मैं एक वीडियो की लिंक आपको क्या दे दूंगा, वीडियो की लिंक, आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, बेसिकली वीडियो लिंक बोल रहा हूँ, वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो को कहाँ देखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको डिस्क्रिप्शन पता नहीं है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन है एकदम सरल भाषा में। हम यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब के अंदर मैं जैसे ही आया मैं आपको अपना चैनल सर्च कर देता हूँ। ओके यार, तो मैं अपना ही चैनल यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैं आया और यहाँ पर मेरी एक वीडियो है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आया, इसके बाद में
यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऊपर ही आपका आएगा यहाँ पर टू लॉक्स, इस प्रकार से इसको क्लिक करिए। नीचे की तरफ में आएगा इस प्रकार से मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आपको क्या करना है यहाँ पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस ब्लू वाली लाइन पर क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या करोगे यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करने का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको कंप्रेस्ड में क्या मिलेगा, माइनक्राफ्ट का वर्जन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में कंप्रेस्ड में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, सॉरी माइनक्राफ्ट का वर्जन, इसके साथ साथ में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, टू लॉक्स की जो वीडियो मैंने आपको बताई थी ना, वो वीडियो लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, अभी आप कह रहे होगे यहाँ पर तो है नहीं, बट जब आप इस वीडियो को फुली देख लोगे ना, लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, तो आपको यहाँ पर वीडियो की लिंक भी देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ साथ में आपका माइनक्राफ्ट का वर्जन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बट उससे पहले यार, अगर आप यहाँ पर एक गेम को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो गेम है ना यहाँ पर दे रखा है मास्टर कॉम्बैट का, नेरो लोगों को पता भी होगा, काफ़ी मस्त गेम है। आपको करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करना है, उस गेम को खेलना शुरू कर देना है, ठीक है। इस गेम को खेलने के लिए आपको करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। पहली बात आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद में आपको यहाँ पर ये गेम खेलना कैसे, काफ़ी मस्त गेम है यार, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर आप आ जाओगे, इसके यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रॉफिट पर आवर जो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसके साथ साथ में ये नीचे वाले डायमंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाओगे, सिंपली से आपको यहाँ पर आ जाना है प्ले ग्राउंड पर, ये वाले जो गेम्स हैं आपको खेल लेने हैं। कैसे, यहाँ पर प्ले पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पर भेज देगा, वहाँ से आपको ये गेम्स खेल लेने हैं। इसके साथ साथ में आपको करना क्या है, इन मिनी गेम्स को खेल सकते हो और यहाँ से डायमंड कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्ले का एक बटन आ जाएगा थोड़ी देर में, वहाँ से आप खेल सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं क्ले मैन एग्जिट पर क्लिक कर लूँगा, यहाँ पर आपका माइंड कार्ड्स भी आता है। माइंड कार्ड्स में आपको करना क्या है, ये जो कार्ड्स हैं आपको यहाँ पर ले लेने हैं, इस प्रकार से परचेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको डायमंड्स देखने में मिल जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप यहाँ से भाई यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका अर्न का सेक्शन भी देखने को मिलेगा, इनको आप फॉलो करोगे तो आपको डायमंड मिलेगा। इनको सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पर डायमंड देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में आप इनकी वीडियोज़ भी चेकआउट करोगे, चेक पर क्लिक करना, और यहाँ से भी आपको डायमंड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और एयर ड्रॉप में जैसे मैंने पहला सीजन खेला था तो मुझको यहाँ पर 422 हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन्स मिले, और जिनको मैंने भाई अपने पैसों में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं वॉलेट पर जाऊँगा, एंड वॉलेट पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यार, हमारे यहाँ अपने वॉलेट के अंदर, और मेरे पास में जो पैसा है वो आ भी चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और मैं इसको INR में कन्वर्ट करके इनका मजा उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब भी इसको खेलना चाहते हो तो अभी यार लिंक से ज्वाइन कीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो, मैंने आपको टूल बॉक्स के बारे में तो बता दिया और गेम ये वाला बता दिया। अब देखो, आपको मैंने बता दिया है बहुत सारी चीज़ें कि भाई आपको कैसे लेना है, सब कुछ बता दिया है। अब भाई मेन चीज़ आती है 32-bit और 64-bit वाले बंदे परेशान हो जाते हैं हर बार। देखो, 32-bit और 64-bit का कोई लफड़ा नहीं है, दोनों की लिंक्स मैं दे दूंगा, 32-bit में भी चलेगा और 64-bit में भी चलेगा। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही ऑफिशियल देखने को मिलेंगी, वहाँ से जाकर आप इनको कर लेना ज्वाइन। और एक वीडियो की लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर से देखना। इस वीडियो के बाद देखने के बाद ना संगीत उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने आपको टूल लॉक्स, ये जो है लूना क्लाइंट का और जो माइनक्राफ्ट है, इसको कनेक्शन दोनों के बीच में कैसे एस्टेब्लिश होगा वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो उन दोनों को भाई इस वीडियो को इसको देखो, इसके बाद में उस वीडियो को जरूर से जाके देख लेना, और आपका टूल लॉक्स एकदम मक्खन की तरह चलना शुरू कर देगा, कोई भी आपके में दिक्कत नहीं आएगी। और एकदम मस्त तरीके से खेलिए, सर्वर्स में खेलिए, मल्टीप्लेयर वर्ड्स में खेलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दो तीन सेटिंग्स और बता देता हूँ इस वीडियो में। पहले से आपको सेटिंग्स करना क्या है, टूल लॉक्स में अगर आपको अच्छे से स्मूथली खेलना है तो यहाँ पर आपको वीडियो सेटिंग्स में आना है। वीडियो सेटिंग्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर देखो, UI प्रोफाइल आपको क्लासिक कर लेनी है, GUI स्किल मॉडिफायर -1 पर रखना है, रेंडर डिस्टेंस 5 चंक्स पर कर लेनी है, जनरल पे आओगे, जनरल पे ऑन विद मोबाइल डेटा और वाईफाई सिलेक्ट कर लेना, अलाउ मोबाइल डेटा फॉर ऑनलाइन प्ले, ऑफ होगा इसको ऑन कर लेना, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये कर लेना है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको अकाउंट पर चल के दिखा देता हूँ। मैं देखो यहाँ पर साइन इन लोग कहेंगे यार स्क्रीन शॉट दिखा रहा है, तो ये लो यार मैं आपको दिखाता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ यहाँ से, एंड फिर दोबारा साइन इन करूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साइन इन फॉर फ्री पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं आ जाऊँगा वेलकम टू एक्सबॉक्स करके, एंड ये देखो मैं लेट्स गेट यू साइन इन, इस प्रकार से अब मेरा यहाँ पर जो मेरे को साइन इन करने के लिए अपना मेल वगैरह देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे को कोड आ जाएगा। तो यार देखो, मैं साइन इन यहाँ पर अच्छे से हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस प्रकार से मस्त तरीके से, एंड मैं यहाँ पर भाई देखो वेलकम बैक आ गया, लेट्स गो पर मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर आप जैसे देखो मैं साइन इन हो गया। तो यार देखो, मैंने आपको साइन इन करके भी दिखाया है मस्त तरीके से, साइन इन बता दी, साइन इन करना बता दिया, कैसे लोगे वो भी बता दिया, कैसे चलाओगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे करना, सब कुछ जरूर बता दिया है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो चली लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो @MinorGBK इंस्टाग्राम पर, -00 वो आपको डिस्कॉर्ड पर मेरा गेमर टैग मिल जाएगा, ठीक है, गेमर टैग बोल रहा हूँ, टैग मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझको मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स खाली रहता है वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो चली लाइक करना, बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके आना, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।